खबर हाजीपुर सदर थाना के बलवाकुआड़ी से है, जहां अपराधियों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त घटी जब एक निजी चैनल का पत्रकार बाइक से अपने घर जा रहा था। गोली लगने के बाद परिजन आनन फानन में घायल पत्रकार को पटना ले गए, तभी उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान मुन्ना कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक के शव को सदर अस्पताल हाजीपुर लाया गया, जहां पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पुरानी रंजिश में पत्रकार की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। सदर SDPO राघव दयाल ने बताया कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। छानबीन के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मुन्ना सिंह है बलवा कुमारी का, करीब 40-45 वर्ष एज था उनका, और वो भुगतनी पेठिया है। उनके गांव से दक्षिण में भुगतनी पेठिया पड़ता है, करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। वहीं से वो अपने घर में करीब 7:15 बजे के आसपास में अपने मोटरसाइकिल से आ रहे थे। और भुगतनी पेठिया से उनका गाँव आने का एक पहिया रास्ता है, और गाछी है, सघन गाछी है, गाछी होकर के ही आना है। तो गाछी में ही जैसा कि वो अपने खुद ही गोली लगने के बाद एक व्यक्ति को फोन करके बताए थे कि हमको गोली मार दिया, तो छोटा छोटा बच्चा है जो गोली मार दिया, हम गिरे हुए हैं, जल्दी आ जाओ। तो उसी पर उनका परिजन गए, तो वहाँ से उठा के लाए। गाछी में वो पड़े हुए थे, वहाँ से दो खोखा भी मिला है। दो राउंड चक्र चलाने के बाद वही बता रहे थे कि एक राउंड हमको नहीं लगा, दूसरे गोली लगी है। हॉस्पिटल उनको पटना लोग परिजन लोग ले गए थे, लेकिन वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया था। तो उसी का फिर वहाँ से पटना से वापस उनका डेड बॉडी सदर हॉस्पिटल आ गया है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। किसी वीडियो के वायरल होने और फिर धमकी की विवाद आ रही है सामने, क्या है मामला पर? अभी तक तो जो मामला है कुछ आपसी विवाद जैसा ही लग रहा है। देखिए अनुसंधान में क्या बात आती है, हम लोग आवेदन में क्या बना कर देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। घटना के बाद भी धमकी आने की बात हो रही है फोन पे? अभी पुलिस के सामने क्या क्या लोग बोलते हैं, अभी तो सब असमंजस में हैं लोग, और काफ़ी गमगीन हाल में हैं। तो कुछ कुछ बात बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, तो स्पष्ट क्या निकल कर आता है और बयान क्या देते हैं, आवेदन क्या आती है, ऐसे अपने स्तर से भी हम लोग देख ही रहे हैं क्या मामला है, आगे प्रक्रिया की जाएगी।